चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ना है। अभी तक हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ना हमें इवेपोरेशन। क्या पढ़ना है भाई? इवेपोरेशन। तो आप कंसेप्ट को समझिए, इवेपोरेशन होता क्या है। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी लिक्विड को एयर में स्पोज करते हैं, यानी सिंपली किसी पानी को या फिर किसी भी लिक्विड को बाहर ऐसे रख देते हैं, क्या उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। यानी वही कंसेप्ट क्या इवेपोरेशन है। चलिए आपको मैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताता हूँ इवेपोरेशन का, कि इवेपोरेशन होता क्या है। इसके टक्कर में एक चीज़ और मैं लिखता हूँ आमने सामने, बॉइलिंग। बॉइलिंग आप लोगों को मैंने बताया क्या होता है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कंपेरिजन करके हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में क्या होता है, इवेपोरेशन बॉइलिंग लगभग सेम ही है, लोग ऐसा मानते हैं, क्या डिफरेंस है उसको हम लोग जानने वाले हैं। दोनों में क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। इवेपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। बॉइलिंग में भी क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। डिफरेंस क्या है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो इवेपोरेशन होता है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग में जो लिक्विड से गैस में चेंज होगा वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, बट इवेपोरेशन में किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। हम लिख सकते हैं जो कन्वर्जन होता है इवेपोरेशन में, हम लिखें डिफरेंशिएट करें तो क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। क्या समझ में आ रहा है बालकों, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बट इन केस ऑफ बॉइलिंग वी कैन से दैट इसमें भी क्या होता है, कन्वर्जन ही होता है लिक्विड से गैस में, लेकिन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। और इसमें भी क्या होता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होता है, बट क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है। यही मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए क्या समझना हमें, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूँ, समझिएगा कंसेप्ट है ये। हम क्या करते हैं कि किस वाटर को हम क्या करते हैं, किसी वेसल में रखते हैं और उसको क्या करते हैं, नीचे से हीट प्रोवाइड कराते हैं। इसको वाटर क्या करते हैं, हीट करते हैं। हमने क्या किया, वाटर को यहाँ से हीट किया, तो क्या होगा, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, हीट देते देते क्या होगा, अभी मैंने लेटेंट हीट के बारे में बताया था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम होते जाएगा, और क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं गैस में कन्वर्ट, यानी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी लेकर के गैस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन, अगर हम पानी लेते हैं, पानी देखो भाई सस्ता है, हर जगह मिलता भी है, इसलिए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम हीट नहीं करते तो भी इवेपोरेशन होगा। कैसे होगा भाई, देखिए अब जो होगा, मान लेते हैं इसमें क्या होता है, जब ये मानता है कि जो बॉइलिंग में होता है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो सकता है, बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के नाइबोरिंग पार्टिकल से एनर्जी लेकर के गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। सिर्फ सरफेस के पार्टिकल क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए हम इसे कहेंगे इवेपोरेशन इज, यानी इट इज सरफेस फिनोमिनन। क्या है भाई, सरफेस फिनोमिनन। इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। अब देखो बॉइलिंग में क्या हो रहा है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। क्या होता है भाई, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग क्या है भाई, बल्क फिनोमिनन है। आप समझ पा रहे हैं, अगर हम हीट नहीं करेंगे तो भी इवेपोरेशन होगा। अब बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही लिक्विड में गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ये चीज़ और हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, और बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में रट के जाते हैं और लिख के आते हैं और अच्छे नंबर पाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, रटने की ज़रूरत, याद तो करना है भाई, रटना नहीं है। अगर आप यूनिक पे हैं तो यूनिक कंटेंट मिलेगा, यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग
यानी इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है, ठंडक महसूस होती है, इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग। इसका रीजन क्या है, जब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, ठीक है। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा भाई, तो आप बताइए क्या करेगा, उसको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए कन्वर्ट होने के लिए, यानी क्या करेगा, हीट लेगा हमारे बॉडी से, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट को क्या होगा, कूल फीलिंग होगा, यानी कि इवेपोरेशन क्या करता है, कूल फील कराता है, यानी कि ठंडक देता है, यानी इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है, ठंडक महसूस होती है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर लिया, क्या लिया हमने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर का एक ड्रॉप लिया, और हमने क्या किया, पंखे को चला दिया, हमने पंखे को चला दिया, जिससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया। अब इवेपोरेशन का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, और कन्वर्जन कब होगा, जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी, तभी जब इवेपोरेशन होगा इसमें, तो क्या करेगा ये, क्या करेगा, हीट को हमारे बॉडी से लेगा, हीट को बॉडी से लेगा और इवेपोरेट होगा। अब सोचो हीट को लेगा तो पार्ट क्या होगा, यहाँ पे ठंडाई तो महसूस होगा ना, ठीक है, यानी इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब एक चीज़ और समझते हैं, जो आपके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी सब क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है आप लोग, चलिए इवेपोरेशन बॉइलिंग अच्छे समझ में आया, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग भी समझ में आया। अब देखते हैं जो इवेपोरेशन होता है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग, जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है भाई, देखते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, कमेंट नहीं करेंगे फिर मजा नहीं आएगा। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन को कौन कौन से चीज इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किस चीज पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, तो जो इवेपोरेशन होता है, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, सबसे पहले डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करता है भाई, बोलते रहो, टेम्परेचर पे। अब देखिए आपको मैं बता दूं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, क्लियर हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा, यानी वी कैन से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, क्लियर हो रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अब जो दूसरा जो फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है भाई, वो क्या है, वो हमारा सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया, इस पे हमारा क्या कहता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। देखिए इसमें भी क्या होगा, जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। चलिए एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चलिए मम्मी क्या करते हैं, मम्मी कपड़ा धुलती है, कहते हैं बेटा लाओ जाओ छत पे डाल के आ जाओ, सुखा के आ जाओ, हमें कोई अनुभव नहीं कपड़ा सुखाने का, क्या करेंगे, जाके फेंक के चले आएंगे अर्गनी पे। अब सोचो कपड़ा सूखेगा नहीं, सूखेगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मम्मी का डांट भी खाना पड़ेगा। देखो समझाने का मतलब है, हम कपड़े को और फैला के सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाएगा, अगर ऐसे ही फेंक के चले जाएंगे तो टाइम लगेगा। यानी कह सकते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन ये सरफेस फिनोमिनन, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, यानी कपड़े को फैला के डालेंगे जल्दी सूखेगा, ऐसे ही फेंक देंगे जल्दी नहीं सूखेगा, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घटेगा, ठीक है। जो तीसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है इवेपोरेशन, वो कौन सा है, वो है विंड स्पीड, क्या है भाई, बोलते रहो साथ में, तीसरा क्या है, विंड स्पीड। अब देखो इसमें भी सेम वही फंडा आने वाला है, अभी एग्जांपल समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो विंड स्पीड में क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर विंड की स्पीड, हवा की गति बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर विंड की स्पीड कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा, यानी कह सकते हैं विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, सोचो जिस मौसम में हवा तेज चलेगी भाई, ठीक है, तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, हवा नहीं चलेगी तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, यानी कि इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। अब जो चौथा फैक्टर है थोड़ा सा मायूस करने वाला है, अभी तक तो पूरा इंक्रीज हो रहा था, मजे आ रहे थे, लेकिन अब जो चौथा फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, ये समझते हैं।
देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है वही क्या होता है ह्यूमिडिटी होता है, हिंदी में नमी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है। अब सोचो आप एक चीज समझो, अगर एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है यानी ह्यूमिडिटी है, इवेपोरेशन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या वो और ज्यादा इवोपरेट करेगा, लेगा और इवोपरेशन नहीं होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसलिए देखते हैं ना हम लोग कि ठंडी के मौसम में क्या होता है, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, यही तो कंसेप्ट है ना। चलिए एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ जो बहुत ही जरूरी है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और हर बार लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग देखे होंगे अगर गांव में रहे होंगे, गांव से जुड़े होंगे, देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे गांव का फ्रिज क्या होता है, हमारे गांव का जो रेफ्रिजरेटर होता है मटका होता है भाई, अर्थन पॉट होता है। हमारे गांव का फ्रिज क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, अर्थन पॉट होता है, और उसमें बहुत ठंडा पानी मिलता है। ठीक है, अब तो खैर हर जगह रेफ्रिजरेटर का लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी बहुत सारी जगह पे क्या होता है, मटके का यूज किया जाता है। और मटके में पानी ठंडा कैसे मिलता है ये बताते हैं। अच्छा, पानी ठंडा क्यों मिलता है मटके में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन का पूछा जाएगा, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन द अर्थन पॉट, यानी मटका, टू कीप इट कूल, क्यों भाई। देखो उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पूरा डिपेंड है इवेपोरेशन पे। अब जो मटका होता है हमारा, जो अर्थन पॉट होता है जिसमें हम लोग पानी ठंडा करते हैं, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिससे पानी क्या करता है, सिप करता है, यानी पानी बाहर बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा निकलता है, पता नहीं चलता है। और जो बाहर पानी निकलता है क्या होता है, इवेपोरेट होता है। अभी मैंने आपको बताया इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है भाई, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी, लेटेंट हीट लेगा। अब सोचो मटके से क्या होगा, वाटर से क्या करेगा, हीट निकालेगा, तो पानी ठंडा ही तो होगा भाई, और क्या होगा, ठंडा ही होगा ना, पानी ठंडा होगा। समझ में आ रहा है, ये पूरा कंसेप्ट क्या, इवेपोरेशन का है। अब एक चीज और समझ में आती है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्या आता है, एनसीईआरटी में कंसेप्ट दिया हुआ है कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है, कूल और एकदम कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, मजा आता है नहीं पहन के, अगर मजा आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं आता है तो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठंडा क्यों महसूस होता है हमें, कंफर्टेबल क्यों महसूस होता है कॉटन के कपड़े पहन के, चलिए देखते हैं, इसका भी कंसेप्ट है। देखो हर चीज का कॉन्सेप्ट है, बच्चे रट के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन आप यूनिक में है तो यूनिक कंटेंट मिलेगा और जबरदस्त कंटेंट मिलेगा, रटने की जरूरत तो नहीं आएगी, ये मेरा गारंटी, वादा दावा और सब कुछ है जो भी आप समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो गर्मी के दिनों में स्वीट यानी पसीना बहुत ज्यादा हमें निकलता है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, और जो कॉटन का कपड़ा होता है क्या करता है, पसीना को अब्जॉर्ब कर लेता है, कॉटन का ये क्वालिटी होता है, क्या करता है, वाटर को यानी पसीना क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। अब जब पसीना को ऑब्जॉर्ब करेगा तो अब इवेपोरेशन भी होगा, होगा कि नहीं होगा, इवेपोरेशन होगा, और आपको मैंने अभी बताया इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब पसीना जो कॉटन ऑब्जॉर्ब कर लेगा उसका क्या होगा, उसका इवेपोरेशन होगा, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा, उसके लिए हीट लेगा। अब शरीर से हीट लेगा तो क्या बचेगा, ठंडा ही तो महसूस होगा ना भाई। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो आपको क्या करना है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगर नहीं आता है तो नो करिए, आता है तो आंसर बताइए, फिर मैं उसका सलूशन दूंगा, नहीं आता है तो। आप लोग देखते होंगे कि जब हम रेफ्रिजरेटर से यानी फ्रीजर से जब पानी निकालते हैं और पूरा एकदम चिल्ड वाटर निकालते हैं, ठंडा पानी बर्फ जमा करके, उसमें क्या होता है, बाहर जो, चलो बॉटल बना ही देता हूँ भाई, आता तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देख लो कितनी अच्छी बॉटल बनी है। ठीक है, जब फ्रीजर से बॉटल निकालते हैं क्या होता है, बाहर उसके वाटर के ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार बोतल में छेद तो है नहीं, फिर भी पानी कहाँ से निकल के आ रहा है, ये पानी आप बताओ बाहर का पानी है या फिर अंदर का पानी है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिक ऑनलाइन गुरु, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेज।